लोकसभा दीर्घा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सुरक्षा उल्लंघन पर सरकार को घेरते हुए कहा कि यह गंभीर चूक का मामला है। जब सरकार संसद की सुरक्षा नहीं कर पा रही तो वो देश की सुरक्षा कैसे करेगी। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार अहंकार में है, सदन में गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। नहीं तो कल सदन के अंदर कितने एमपी को मौत होती, कितने स्टाफों को मौत होती, ये किसी को नहीं पता। भगवान बचा लिया, ईश्वर ने बचा लिया, अल्लाह ने बचा लिया कि अंदर तो आए लेकिन कोई खतरनाक हथियार बंद ना होकर आई थी। वो जो गैस, अगर मान लीजिए पोटेशियम साइनाइड की गैस, ये मोनोक्साइड की कोई कोई जहरीला गैस अगर साथ में लाती तो कल सदन में हाहाकार मच जाती, मौत की कतार कर लग जाती ये मकर द्वार के सामने। और वो मकर द्वार से जाने आने में इतना परेशान कर रहे हैं, इतना पाबंदी लगा दी है कि सारे मीडिया वालों की दुश्मन है, सारे स्टाफों का दुश्मन है, जिन्होंने बचा वो क्या दुश्मन है। गलती आपका, दोष हमारा देते हो, ये बड़ी ताजीब की बात है। गिरवान को गिरवान में झांक के तो देखो, पता चलेगी जो सदन संसद भवन को सुरक्षा नहीं कर सकते, देश की सबसे बड़ा मंदिर संसद भवन को जो सुरक्षा नहीं दे सकते, वो देश को क्या सुरक्षा देगी। और जवाब देने से बचते हुए सदन में नहीं आते, वहां से भी कुछ नहीं बोलते, ये शर्मिंदा की बात है। देश की प्रधानमंत्री को इस तरीके का अहंकारी ना होना चाहिए। ये सिर्फ अहंकार अहंकार और अहंकार की एक प्रकाश है।